गाजा में हमास के लड़ाकों का सामना कर रही इजरायली सेना ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। जंग के 11 महीने बीत जाने के बाद इजरायली सेना ने अपनी एक गलती पर बड़ा दावा किया। इजरायली सेना के इस कबूलनामे पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उसे कटघरे में ढकेल दिया है। तो वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू एक बार फिर बंधकों की सकुशल रिहाई को लेकर भारी दबाव में है। उनसे इस्तीफे की लंबे समय से मांग चल रही है। गाजा में चल रहे इजरायली ऑपरेशन को एक साल बीतने वाला है, मगर अब तक न तो इजरायली सेना ने गाजा से हमास का सफाया किया है, न ही इस ऑपरेशन को रोकने पर कोई ठोस कदम उठाया है। इस बीच हमास के जंगल में फंसे इजरायलियों को लेकर समय समय पर बुरी खबर सामने आती रही है। ताज़ा मामले के तहत इजरायली बलों ने खुलासा किया कि इस बात की बहुत संभावना है कि पिछले साल के आखिर में एक सुरंग में मृत मिले तीन बंधकों की हत्या गलती से हुई थी। पिछले साल नवंबर में हुई इजरायली एयर स्ट्राइक हमास के उत्तरी गाजा ब्रिगेड के प्रमुख अहमद अल ढंडोर में निशाना बनाकर की गई थी, जिसमें इजरायली बलों की बड़ी सफलता मिली थी। मिली जानकारी के मुताबिक IDF को 19 साल के कर्नल निक बेजर, एक और 19 वर्षीय सार्जेंट रॉन शेरमेन और 28 वर्षीय फ्रांसीसी इजरायली नागरिक के शव बरामद हुए थे, जिनके परिजनों ने दावा किया था कि तीनों ने बीते साल 7 अक्टूबर को हमास की ओर से बंधक बनाया गया था। IDF के अधिकारियों ने बीते हफ्ते बताया कि जांच से पता चलता है कि उनके प्रियजनों की जान IDF की कार्रवाई की वजह से हुई थी। सेना ने कहा कि उनके शव 14 दिसंबर को जवालिया में एक सुरंग से बरामद किए गए थे, मगर जांच के बाद सामने आया कि तीनों की मौत गलती से इजरायली जवानों से हो गई। IDF ने अपने बयान में कहा कि जांच के नतीजों से पता चलता है कि तीनों की मौत IDF के हवाई हमले की वजह से हुई। पीड़ितों के परिजनों को पहले बताया गया कि बंधकों को हमास के खूंखार लड़ाकों ने मार डाला। बीते साल नवंबर में इजरायल ने अल घंडौर को टारगेट कर हवाई हमला किया था, जिसके एक सुरंग में छिपे होने की जानकारी थी। उस समय IDF की जांच ने निष्कर्ष निकाला कि सेना को हमले के दौरान इलाके में बंधकों की मौजूदगी के बारे में पता नहीं था। ऐसी जानकारी थी कि वे कहीं और मौजूद हैं, इसलिए उस इलाके को बंधकों की संदिग्ध मौजूदगी वाले क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया था। वहीं परिजनों ने सैनिकों के शव मिलने के बाद से ही उनकी मौत से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए दबाव डाला। परिजनों ने कहा कि हमें हर चीज के बारे में सच्चाई का पता लगाना होगा, भले ही सच्चाई ये हो हमें उन्हें मारना पड़े। जिसके बाद इजरायली सेना ने मृतकों पर एक जांच कमेटी बनाई थी, जिसके बाद IDF ने यह स्वीकार किया था कि इस बात की प्रबल संभावना है कि उनसे गलती से बंधकों को मार दिया था। ऐसे में साफ है कि एक बार फिर इजरायली सरकार पर हमास के साथ बंधक को लेकर समझौता करने का दबाव बढ़ेगा, जहां एक तरफ नेतन्याहू अपनी जिद और नई शर्तों के चलते बंधक समझौते को लगातार लटका रहे हैं, वहीं इजरायली प्रदर्शनकारियों का भी सब्र का बांध टूट रहा है। इससे पहले भी इजरायली सेना के हमले में कई मासूम इजरायली बंधक मारे जा चुके हैं। इजरायली PMO के मुताबिक गाजा में अभी भी कुल 101 बंधक हैं। माना जा रहा है कि उनमें से 35 की मौत हो चुकी है। इस महीने की शुरुआत में दक्षिणी गाजा के रफा के नीचे एक सुरंग में 6 बंधकों के शव मिलने के बाद इसमें और तेजी आ गई, जिसमें नेतन्याहू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।